हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोकैटालिसिस के कुछ रिएक्शंस के बारे में, जो ये पिछले वीडियो को आगे का भाग है। और एमएससी थर्ड सेमेस्टर जो केमिस्ट्री का एमएससी थर्ड सेमेस्टर का ये जो सिलेबस का पार्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंसर्शन एंड डी इंसर्शन, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन एंड अल्फा हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्शन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस। इसके पहले हमने ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको शुरुआत करते हैं, व्हाट इज इंसर्शन एंड डी इंसर्शन। तो सबसे पहले ये जो टर्म है इसको हम समझ लेते हैं, इंसर्शन क्या होता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड लिगेंड सच एज CO, CH2 बिटवीन टू अदर एटम इनिशियली बाउंड टुगेदर इज कॉल्ड इंसर्शन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड हो, यानी CO और ये मैग्नीज CO5 CH3, ठीक है। यहाँ पे ये मेटल है और ये क्या है CH3, यानी कि अल्काइल ग्रुप है। इन दोनों के बीच ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, इंसर्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मेटल और CH3 के बीच एक बॉन्ड यानी कि CO क्या हुआ, इंसर्ट हुआ है। तो इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में बोलते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड लिगेंड। यानी कि ये अनसेचुरेटेड लिगेंड है, उसका इंट्रोडक्शन कहाँ पर, हम यानी कि इंट्रोड्यूस कहाँ पर कर रहे हैं, बिटवीन टू अदर एटम इनिशियली बाउंड टुगेदर इज कॉल्ड इंसर्शन। द इंसर्शन ऑफ CO इंटू MCH3 बॉन्ड टू गिव एसाइल कॉम्प्लेक्स। सो हियर यू कैन सी दिस इज एसाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है, एसाइल ग्रुप है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड रिएक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स फॉर एग्जाम्पल, इन द सेकेंड रिएक्शन बोथ द मैग्नीज एंड CH3 आर बॉन्डेड टू द सल्फर ऑफ द इंटरेस्टेड H2। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल में क्या हुआ है, CO का इंसर्शन हुआ है, यानी कि ये CO मॉलिक्यूल कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे जाके इंसर्ट हुआ है। सेकेंड कंपाउंड में देखिए ये SO2 जो है इस मेटल और CH3 के बीच कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, देखो ये मेटल है और ये क्या है तुम्हारा CH3 है। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसी इंसर्शन के आगे आता है 1-2 इंसर्शन। अब ध्यान देना, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ठीक है। सो इन 1-2 इंसर्शन बॉन्ड्स टू द इंसर्टेड मॉलिक्यूल आर मेड टू एडजेसेंट एटम। फॉर एग्जांपल इन द रिएक्शन ऑफ HCO CO4, देखो ये क्या है, HCO यानी कि कोबाल्ट और चार कार्बोनिल, तो क्या बोलेंगे इसको, HCO CO4 विथ टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। द प्रोडक्ट हैज़ CO CO4 ग्रुप अटैच टू द वन कार्बन एंड द हाइड्रोजन अटैच टू द नेबरिंग कार्बन। यानी कि ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच आपको ये दिख रहा होगा, ये इस बॉन्ड के बीच, ये देखिए ये मेटल है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों बॉन्ड के बीच ये क्या होगा, ये इंसर्ट हो गया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है कहाँ पर इंसर्ट हुआ है, ये 1-2, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1-2 इंसर्शन बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये मेटल, ये हाइड्रोजन, अब कहाँ पे इंसर्ट हुआ, देखिए ये मेटल था और मैं भी बताया ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मेटल और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में कौन इंसर्ट हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो ग्रुप है आपका, ये पूरा पार्ट जाके कहाँ पे इंसर्ट हो गया, ये देखो CO, ये दिख रहा है CO, फिर ये C, तो ये C, फिर आपके पास दो CH3 है, ये और ये, तो ये दोनों CH3 इधर है। मींस ये 1-2 इंसर्शन है, यानी कि 1 और 2 पोजीशन जहाँ पे कहाँ पे इंसर्ट होता है, मेटल और हाइड्रोजन के बीच। सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा था, द इंट्रोडक्शन ऑफ एन अनसेचुरेटेड लिगेंड सच एज CO CH2 बिटवीन टू अदर एटम इनिशियली बाउंड टुगेदर इज कॉल्ड इंसर्शन। सो इफ
एनी वन इज आस्किंग कि डेफिनेशन क्या है इसको, तो आप इसको बता सकते हैं व्हाट इज इंसर्शन रिएक्शन, और फॉर एग्जांपल ये दे सकते हैं। ठीक है, ये हुआ एग्जांपल। अब इसी इंसर्शन का पहला एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में है, कार्बोनिल इंसर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज कार्बोनिल इंसर्शन। अब जैसे मैं अभी आपको बताया कि अगर कार्बोनिल मॉलिक्यूल, ठीक है, मेटल और एल्काइल ग्रुप के बीच इंसर्ट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोनिल इंसर्शन। कार्बोनिल इंसर्शन द इंसर्शन ऑफ CO विद एन एल्काइल कॉम्प्लेक्स टू गिव एन एसाइल, दिस इज एसाइल ग्रुप, ठीक है, एसाइल प्रोडक्ट हैज़ वेल स्टडीड। ये बहुत वेल नोन एग्जाम्पल है कार्बोनिल इंसर्शन के लिए। द रिएक्शन ऑफ CH3MnCO5 विथ CO इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो सबसे पहला ये सिलेबस में आपको दिखेगा, एक तो इसको कार्बोनिल इंसर्शन भी बोलते हैं, दूसरा इसको एल्काइल माइग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल एग्जाम पे ये आता है कि एक्सप्लेन द एल्काइल माइग्रेशन। तो आपको सबसे पहले ये पता चल गया कि ये जो कार्बोनिल है कहाँ पे इंसर्ट हुआ जाके, ये देखिए ये मेटल है, ठीक है, यानी कि मेटल और कार्बन जो एल्काइल ग्रुप था उसके बीच कहाँ पे इंसर्ट हुआ, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शन। सो अब हम आपको इस इंसर्शन रिएक्शन का क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो CO जो इंसर्ट हुआ है, ठीक है, वो किस तरीके से इंसर्ट हुआ है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म है इसका CO इंसर्शन का, सबसे पहला मैकेनिज्म हम देखते हैं डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ इनकमिंग CO लिगेंड इनटू मेटल एल्काइल बॉन्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज व्हाट मेटल एंड दिस इज एल्काइल, तो मेटल और एल्काइल के बीच जो डायरेक्ट जो बॉन्ड बना है वहाँ पे इस CO का क्या होगा, इंसर्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म है डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ इनकमिंग CO लिगेंड इनटू मेटल एल्काइल बॉन्ड। अब हम इसको दूसरे मैकेनिज्म देखेंगे। अब मैं आपको ये मैकेनिज्म वन मैकेनिज्म टू इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हमको ये देखना है कि एक्चुअली में जो हमारे कंपाउंड में कार्बोनिल इंसर्ट हुआ है या एल्काइल ग्रुप जो है माइग्रेट हुआ है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप, तो इसको दोनों तरीके से बोलते हैं, एक तो कार्बोनिल इंसर्शन भी बोलते हैं, दूसरा एल्काइल माइग्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए हम मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रूव करते हैं कि वाकई में कार्बोनिल इंसर्ट हुआ है कि एल्काइल माइग्रेट हुआ है, यानी कि एल्काइल माइग्रेट मतलब क्या होता है, ये वाला ग्रुप उठ के कहीं इधर तो नहीं चला गया है, ये सारे अलग अलग पोजीशन पे तो नहीं चला गया है, या फिर ये कार्बोनिल डायरेक्ट इंसर्ट तो नहीं हुआ है। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या देखेंगे, अब मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म हम जान गए कि ये जो कार्बोनिल जो न्यू इनकमिंग लिगेंड है वो कहाँ पे इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। सो हियर यू कैन सी द न्यू इनकमिंग लिगेंड बिटवीन दिस मेटल एंड दिस CH3, सो न्यू CO इन द एसाइल ग्रुप। सो हियर यू कैन सी दिस इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज एसाइल ग्रुप। सो लेट मी कंटिन्यू। दूसरा एंड द सेकेंड मैकेनिज्म इज दैट CO माइग्रेशन। CO माइग्रेशन इट मीन्स वॉट, इन दिस मैकेनिज्म द CO लिगेंड सिस टू एल्काइल। देखो यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप है उसका सिस पोजिशन ये है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जब हम नया CO नया न्यू CO इनकमिंग लिगेंड आने वाला है उससे पहले ये क्या कर देगा, ये इसके लिए एक जगह बना देगा। कैसे, ये CO जो आपको दिख रहा होगा ये उठ के कहाँ चला गया, इधर आ गया, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर इंसर्शन। तो अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या हुआ था, ये डायरेक्ट ये जो इनकमिंग CO था वो इधर आ रहा था, लेकिन दूसरे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, सबसे पहले वो क्या हो रहा है उसके लिए एक जगह बना रहा है। जैसे ये जो CO है ऑलरेडी जो पहले से जुड़ा हुआ है वो इधर आके इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। अब जो नया ग्रीन वाला जो ये जो ग्रीन है वो क्या है, न्यू इनकमिंग CO लिगेंड है। ये जो न्यू CO है वो कहाँ पे आके अटैच हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है आके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो न्यू CO था वो क्या था, सीस टू CO CH3, पहले में ये जो एसाइल ग्रुप के CH3 था। दूसरा तो यही इसी चीज़ को यहाँ पे मैं लिखा हूँ,
metal alkyl bond resulting in 5 coordinate intermediate with a vacant site available for attachment for incoming CO ligand. So this is what your mechanism second. Now see the mechanism third. Mechanism third क्या बोलता है, alkyl migrate हुआ है, यानी कि first mechanism बोलता है आपको कि ये direct CO insertion हुआ है. दूसरा mechanism बोलता है कि intramolecular insertion होके CO migration हुआ है. लेकिन तीसरे mechanism के through जब हम जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ऐसा भी reaction possible है कि सबसे पहले क्या करेगा, ये जो alkyl group है वो CO की position पे जाके यानी कि ऐसा group form कर लेगा, ये देखो. और ये जो वैकेंट साइट बनेगा, ये जो खाली जगह बचेगा, उसमें CO क्या हो जाएगा, आके जुड़ जाएगा. तो यहाँ पे आपको तीन तरीके के रिएक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है. इन दिस मैकेनिज्म द एल्काइल ग्रुप वुड माइग्रेट रेदर देन CO लिगेंड एंड अटैच इटसेल्फ टू अ CO लिगेंड सीज टू द एल्काइल ग्रुप रिजल्टिंग इन 5 कोऑर्डिनेट इंटरमीडिएट विद अ वैकेंट साइट अवेलेबल फॉर एन इनकमिंग CO लिगेंड. इसी चीज़ को मैं जो आपको बता रहा हूँ, जब ये CH3 ठीक है अपना जगह छोड़ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि ये क्या बच जाएगा, एक खाली जगह बच जाएगा, उस खाली जगह में क्या हो जाएगा, ये CO आगे बाइंड हो जाएगा. ये हमारा क्या है, न्यू इनकमिंग लिगेंड है, ठीक है. अब हमको ये पता चल गया कि तीन तरीके से CO क्या हो रहा है, इसमें इंसर्ट हो रहा है. द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डी कार्बोनिलेशन आर डी इंसर्शन. अब देखो, CO इंसर्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शन, और CO निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं डी इंसर्शन, यानी कि जो मैं आपको हेडिंग में बताया था, इंसर्शन एंड डी इंसर्शन. तो अब चलिए हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करते हैं कि एक्चुअली में हमारे इस कंपाउंड में ये जो CO इंसर्ट हुआ है वो CO इंसर्शन है कि एल्काइल माइग्रेशन है. तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट होगा. ये जो मैं तीनों रिएक्शन आपको दिखा रहा था उसको एक तरीके से एक ही स्लाइड में दिखा रहा हूँ. सबसे पहले ये हुआ, दूसरे मैकेनिज्म में ये हुआ, एंड तीसरे मैकेनिज्म में ये हुआ. अब हम ये देखते हैं कि हमको CO इंसर्ट हुआ है हमारे कंपाउंड पे कि एल्काइल माइग्रेट हुआ है, ठीक है, एल्काइल माइग्रेट. यानी कि एक ही रिएक्शन को दो चीज़ नाम से क्यों बोला जा रहा है. तो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है. तो एक अब क्या करेंगे हम, ये देखते हैं. अब हम ये चेक करते हैं कि जो हम एक्चुअली में जो कार्बोनिल लिगेंड इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड जो इंसर्ट कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है. तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनकमिंग लिगेंड था, आने वाला जो न्यू लिगेंड था, उसको हम क्या कर दिए, लेबल्ड कर दिए. लेबल्ड यानी कि हम उसको आइसोट्रोपिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि कार्बन 13 यानी कि C13 से हम क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे. तो CO को ये स्टार लगा दिए. अब सबसे पहले जो लिगेंड आया, ठीक है, सबसे पहले जो लिगेंड आया वो मैं बोला था क्या, डायरेक्ट इंसर्शन होगा, ठीक है. तो ये मेटल और कार्बोनिल एसाइल ग्रुप के बीच ये क्या होगा, इंसर्ट हो गया, ठीक है. दूसरा क्या बोला था, CO माइग्रेशन होगा बोला था, ठीक है. यहाँ पे आपको रिएक्शन दिखा रहा, ये देखो, दूसरा क्या बोला था, CO माइग्रेशन होगा बोला था. तो ये CO माइग्रेट हो गए, ये जो इनकमिंग लिगेंड था कहाँ पे जुड़ गए, यहाँ पे जुड़ गए. तीसरी बार में एल्काइल माइग्रेट हुआ बोला था, तो ये इधर आ गया. अब ध्यान देना, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हाँ सॉरी, ये आपको ये स्लाइड में मिलेगा. अब देखिए, हमको एक चीज़ ये जानते हैं कि माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी, एक नया टर्म आता है, ठीक है, क्या, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी. इससे मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है. देखिए, हमको ये चीज़ पता है कि कोई रिएक्शन, ठीक है, कोई रिएक्शन जिस पाथवे से फॉरवर्ड प्रोसीड किया जाता है, यानी कि अगर कोई रिएक्शन है ए टू बी, एक रिएक्शन है और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिस पाथवे को फॉलो करते हुए तो प्रोसीड हुआ रहता है, सेम उसी पाथवे को फॉलो करके क्या होगा, वो रिवर्स यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन आएगा.
यानी कि हम इस रिएक्शन से ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई रिएक्शन सीओ माइग्रेशन होके उस रिएक्शन को प्रोसीड किया है, तो जब हम उस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जब हम उसको रिवर्स करेंगे यानी कि उस रिएक्शन को हम रिवर्स पाथ में ले जाएंगे, तो वो वैसा ही फॉलो करेगा जो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन में हुआ था। ये प्रोसेस यानी कि ये माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी कहलाता है, यानी कि जिस पाथ में, जैसे आप यहाँ से निकल के इधर गए हो तो आप जब वापस आओगे तो उधर से ही आओगे, यानी कि ये उसका क्या है, पाथवे चेंज नहीं होगा, तो ये कहलाता है माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। तो उस प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में हमने जो रिएक्शन में लेबल्ड CO डाला था, ठीक है, लेबल्ड CO हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था, ये आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये आपका लेबल्ड CO है। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसमें CO डाला, अब हम क्या करेंगे, इस CO को रिमूव करेंगे। देखो, CO को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, CO को जो हम रिमूव करेंगे यहाँ पे, अब देखिए, हाँ ये देखिए, सबसे पहला आपको मैकेनिज्म, ये देखिए, सबसे पहले ये जो हम CO रिमूव कर रहे हैं तो 100% आपको क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। मैकेनिज्म टू में मैं क्या बोला था, अब हम मैकेनिज्म टू में क्या करेंगे, CO रिमूव करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि क्या होता है, CO माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो जब ये CO रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो ये जो आपका लेबल्ड CO था वो कहाँ पर जा रहा है, माइग्रेट होकर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर मैकेनिज्म थर्ड क्या बोला था, अब मैकेनिज्म थर्ड से यानी कि हम अगर CO रिमूव कर दें, तो मैं ये बताया था कि एल्काइल माइग्रेट होता है बोला था, तो ये एल्काइल उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एल्काइल आ गया है, यानी कि ये भी सीस प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो तीन तरीके के हम अब क्या करेंगे, मैं बताया था एक, यानी कि हम पहले कार्बोनिलेशन किए, अब हम उसको डी कार्बोनिलेशन करके देख रहे हैं कि कौन से पाथवे से एक्चुअली में एल्काइल माइग्रेट हुआ है कि CO इंसर्ट हुआ है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म टू को देखने के रीज़न ये है, आपको ये स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जब हम मैकेनिज्म वन के थ्रू जाते हैं, ठीक है, जब हम मैकेनिज्म वन के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पे देखो, द मैकेनिज्म जो वन था इज़ डेफिनेटली रूल्ड आउट बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ 13 CO मस्ट रिजल्ट इन 13 C इन द एसाइल लिगेंड। यानी कि जब हम डायरेक्ट इंसर्शन किए, यहाँ पे देखो, ठीक है, जब हम डायरेक्ट इंसर्शन किए इस मैकेनिज्म फर्स्ट में, तो यहाँ पे कार्बोनिल इंसर्ट हुआ है। लेकिन जब हम इसको डीकार्बोनिलेशन किए मैकेनिज्म फर्स्ट का, यानी कि हम इसको निकाले, तो जब वो निकाले तो हमको जो प्रोडक्ट मिला था, कौन सा प्रोडक्ट मिला था, यहाँ पे आपको मिलेगा वो, हमको जो प्रोडक्ट मिला था उसका मैकेनिज्म वन का, यानी कि इस प्रोडक्ट में जब हम डीकार्बोनिलेशन किए आगे, ये मैकेनिज्म टू है, सॉरी, ये देखिए मैकेनिज्म वन, यहाँ पे अगर हम -CO करेंगे तो जो हमको प्रोडक्ट मिला था वो यहाँ पे कार्बोनिल आपको नहीं मिलता, यानी कि सीधी सी बात है कि डायरेक्ट कार्बोनिलेशन हुआ, कार्बोनिल इंसर्ट हुआ, और जब हम उसको डीकार्बोनिलेशन किए तो इसमें कोई भी क्या नहीं था, CO यानी कि लेबल्ड CO नहीं था। उसी चीज़ को इस लाइन में हमने लिखा है कि द मैकेनिज्म कैन नाउ बी इवेल्यूटेड, मैकेनिज्म वन इज डेफिनेटली रूल्ड आउट बाय द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ 13 CO मस्ट रिजल्ट इन 13 C इन द एसाइल लिगेंड, बट नन इज फाउंड। यानी कि जो हमारा मैकेनिज्म फर्स्ट था वो प्रॉपरली रूल्ड आउट हो गया कि जिस तरीके से हमने कार्बन 13 CO इंसर्ट किए थे, लेकिन वो मिला ही नहीं हमको प्रोडक्ट में, तो हमको इतना पता चल गया कि कार्बोनिल इंसर्ट उसमें जो हुआ था वो कार्बोनिल इंसर्ट के थ्रू नहीं हुआ था, इंसर्शन के थ्रू। अब हम मैकेनिज्म टू को चेक करते हैं, हमको ये भी पता था कि मैकेनिज्म टू में जब हम कार्बन 13 यानी कि ये जो लेबल्ड CO था, CO 13 वाला जब इंसर्ट किए थे, ठीक है, तो अब देखिए हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहला ये हमारा 1 2 3 4,
हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉस ऑफ वन यानी कि हम फर्स्ट मॉलिक्यूल को जो पहला वाला सी ओ था उसको क्या करते हैं, सबसे पहला वाला जो सी ओ है उसको हम क्या करेंगे, अब रिमूव करेंगे क्योंकि हमने उसमें इंसर्ट किया था। तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में कार्बोनिल इंसर्ट के थ्रू वो इंसर्ट हुआ है कि एल्काइल माइग्रेशन हुआ है, उसी चीज़ को हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कार्बोनिल को लॉस करूँगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जब लॉस होगा तो यहाँ पे वेकेंट साइड बन जाएगा। अब ये जब वेकेंट साइड बनेगा तो ये कार्बोनिल इंसर्ट माइग्रेट होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कार मैकेनिज्म टू जो है कार्बोनिल इंट्रा मॉलिकुलर कार्बोनिल इंसर्शन से जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, ये मेटल से डायरेक्ट बॉन्डेड क्या बचेगा, ये सी एच थ्री बचेगा। तो ये हो गया है, यानी कि इस पहले वाले रिएक्शन में कोई भी क्या नहीं रहेगा, कार्बन 13 नहीं रहेगा। दूसरा, अगर मैं इस कार्बोनिल को लॉस करता हूँ, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि कौन सा कार्बोनिल मैंने इसमें इंसर्ट किया है। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी सारे कार्बोनिल एक जैसे हैं, तो मैंने पहले लेबल्ड को हटाया, दूसरा इसको जब मैं हटाया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ सी ओ टू, लॉस ऑफ टू यानी कि सेकेंड कार्बोनिल जब मैंने लॉस किया, तो ये जो कार्बोनिल है, ये जो कार्बोनिल आपको ग्रुप, एक मिनट में आपको मिटा देता हूँ, जब मैं इस कार्बोनिल को क्या करूँगा, लॉस करूँगा, तो ये जो कार्बोनिल था वो इसके पोजीशन को ले लेगा, यानी कि फिर से मेटल के साथ क्या बन जाएगा, ये सी एच थ्री बॉन्ड बन जाएगा। थर्ड बार में हम क्या करेंगे, तीसरा सी ओ को रिमूव करके देखेंगे, तो ये जो कार्बोनिल है यहाँ चला जाएगा, यानी कि फिर से मेटल कार्बन एसाइल ग्रुप का बॉन्ड बन जाएगा। फिर हम चौथी बार में इस सी ओ को रिमूव करेंगे तो ये मेटल, ये जो सी ओ इधर आ जाएगा, और इस फिर से ये मेटल एसाइल का बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि इसमें टोटल जो कंपाउंड है वो हर बार आपको सिस कंपाउंड ही मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है वो अपने पोजीशन पे प्रॉपर है, यानी कि ये एल्काइल माइग्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि हमने हर बार इसको सी ओ इंसर्ट करके, यानी कि सी ओ इंसर्शन हो रहा है, लेकिन हमको प्रोडक्ट में हर बार क्या मिल रहा है, सीस मिल रहा है। कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म टू के थ्रू। मैकेनिज्म थ्रू टू क्या था, मैं आपको बताया था ये। ठीक है, देखो मैकेनिज्म टू में क्या बताया था, ये जो है ना वो हर बार कहाँ पे जाएगा, पहले यहाँ पे जाएगा, फिर दूसरा में यहाँ, फिर तीसरा में यहाँ, फिर चौथा में यहाँ। इसी चीज़ को तो मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो पहली बार में वो कहाँ गया, ये जो सी ओ था ये यहाँ चला गया, दूसरे बार में यहाँ, तीसरे बार में यहाँ। यानी कि वो चार पोजीशन जब वो सी ओ को हम लोग क्या किए, यहाँ से लॉस कर दे गए, तो हर बार वो एक प्रोडक्ट दे रहा है जो कि कहला रहा है, यानी कि सी एच थ्री और ये लेबल्ड सी ओ के पोजीशन पे क्या है, सीस प्रोडक्ट है। अब हम ये चेक करेंगे कि मैकेनिज्म थ्री क्या करता है, ये तो मैकेनिज्म टू हो गया, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म थ्री, यानी कि मैकेनिज्म थ्री में मैं क्या बोला था, एल्काइल को माइग्रेट करना है। ठीक है, एल्काइल को माइग्रेट करना है। तो अब देखो सबसे पहला जब ये कार्बोनिल लॉस करेंगे, ठीक है, तो कार्बोनिल लॉस करेंगे तो यहाँ पे वेकेंट साइड बन जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब ये एल्काइल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ये बन गए एक जिसमें क्या नहीं रहेगा, कोई भी लेबल्ड सी ओ नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब हम दूसरे प्रोसेस में इस कार्बोनिल को लॉस करेंगे, क्योंकि हम एक एक करके हर बार अलग अलग कार्बोनिल को निकालते जाएंगे, तो ये जो जो एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड बन गया। तीसरी बार में हम क्या करेंगे, इसके जो सीस पोजीशन पे है, ये जो सीस पोजीशन में है, ठीक है, सॉरी इसके लिए ट्रांस पोजीशन में है, तो ये जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट, यानी कि ये लेबल्ड सी ओ और ये सी एच थ्री क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ट्रांस प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, चौथी बार में ये जो सी ओ है उसको हम हटाएंगे और इस सी एच थ्री को यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये याद रखना, ये जो लेबल्ड सी ओ है इसके रिस्पेक्ट, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में क्या है वो, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो सीस पोजीशन पे है। ठीक है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब यहीं पे आपको एक फंडा क्लियर होगा, एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा
कि मैकेनिज्म टू के थ्रू अगर मैं जा रहा, ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म टू के थ्रू अगर मैं जा रहा था तो मुझे हर बार सिस प्रोडक्ट मिल रहा था। सिस मतलब समझ रहे हो ना, ये जो लेबल्ड कार्बोनिल है उसके रिस्पेक्ट में ये सीस है, ये भी सीस है, ये भी सीस है, क्योंकि ये ऑक्टोहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब जब मैं मैकेनिज्म थ्री के थ्रू जा रहा हूँ, मैकेनिज्म थ्री के थ्रू यानी कि मैं रिवर्स रिएक्शन करा रहा हूँ, तो इस प्रोसेस में मुझे एक प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये देखो, एक दूसरे से ट्रांस मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस पे मुझे एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये मिला कि मेरे इस पूरे रिएक्शन में एल्काइल माइग्रेशन इज मोर प्रिफरेबल देन CO इंसर्शन, यानी कि ये एल्काइल जो है अपने जगह को माइग्रेट होके जा रहा है, तभी तो मुझे ये ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, अदरवाइज मुझे सीस ही मिलता। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन लिखा है, इसको एक बार रीड करते फिर अच्छे समझ आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैकेनिज्म वन तो ऑलरेडी रूल्ड आउट हो गया, क्योंकि मैकेनिज्म वन में जब हमने CO इंसर्ट किया था और जब हम उसको निकाला था तो हमको उसमें 13 CO नहीं मिला था। द मैकेनिज्म कैन नाउ बी इवोल्यूटेड, मैकेनिज्म वन इज़ डेफिनेटली रूल्ड आउट बाई द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। डायरेक्ट इंसर्शन ऑफ 13 CO मस्ट रिजल्ट इन 13 CO इन एसाइल लिगेंड, बट नन इज फाउंड। मैकेनिज्म टू एंड थ्री आर बोथ कंपैटिबल। अब हमको मैकेनिज्म टू और थ्री को चेक करना था कि एक्चुअली में कौन से मैकेनिज्म से वो CO इंसर्शन हो रहा है, कि एल्काइल माइग्रेशन हो रहा है। विद द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी रिक्वायर दैट एनी रिवर्सिबल रिएक्शन मस्ट हैव आइडेंटिकल पाथवे फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन सिंपली प्रोसीडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि मैं जो बताया था, अगर वो इस रास्ते को फॉलो करके ही जा रहा है तो जब वापस आएगा तो वो उसी रास्ते को फॉलो करेगा, उसी को बोलते हैं आइडेंटिकल पाथवे फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कार्बोनिल माइग्रेशन, अगर कार्बोनिल माइग्रेशन होते हुए वो उस रिएक्शन को क्या किया है, प्रोसीड किया है, यहाँ पे देखो लिखा है इफ़ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज कार्बोनिल माइग्रेशन द रिवर्स रिएक्शन मस्ट प्रोसीड बाय लॉस ऑफ CO लिगेंड, यानी कि वो CO लिगेंड को लॉस करते हुए क्या करेगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन आएगा फॉलोड बाय माइग्रेशन ऑफ CO फ्रॉम द एसाइल प्रोडक्ट। यानी कि अगर इस मेटल और ये एसाइल ग्रुप के बीच, ये मेटल और एसाइल ग्रुप के बीच अगर ये CO इंसर्ट हुआ है, तो जब हम इस CO को निकालेंगे, ठीक है, इस CO को निकालेंगे तो यही CO जो है हमको प्रोडक्ट में मतलब रिमूव हुआ हुआ दिखेगा। यानी कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान समझना, सपोज़ ये मेटल और कार्बोनिल जो है इस CH3 के बीच क्या हुआ, इंसर्ट हुआ है, और मैं ये मान रहा हूँ कि ये मेटल दिस CO इज़ इंसर्टेड बिटवीन दिस मेटल एंड CH3। जब मैं इसको रिमूव करूँगा, ठीक है, तो ये ही रिमूव होना चाहिए, तब ना मैं इसको मानूंगा कि जिसको मैं इंसर्ट किया हूँ वो रिमूव हो रहा है। हाँ, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, फ्रॉम द एसाइल लिगेंड टू एम्प्टी साइड बिकॉज दिस माइग्रेशन इज अनलाइकली टू अकर टू अ ट्रांसपोजिशन ऑल द प्रोडक्ट शुड बी सीज इफ़ द मैकेनिज्म इज एल्काइल माइग्रेशन। अगर हम इसको CO इंसर्शन माने और CO को रिमूव करेंगे उसी पाथवे से जिस पाथवे से हमने CO को इंसर्ट किया है, तो सारे प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, सिस, जो कि मैं अभी बताया। अब अगर मैं उसको एल्काइल माइग्रेशन के थ्रू, जो मैकेनिज्म थ्री को मैं मान के चलूँ कि मैकेनिज्म थ्री से हो रहा है, द रिवर्स रिएक्शन मस्ट प्रोसीड बाई लॉस ऑफ CO लिगेंड फॉलोड बाई माइग्रेशन ऑफ द मेथिल ग्रुप द एसाइल लिगेंड टू द वैकेंट साइड अगेन ऑल द प्रोडक्ट शुड बी सिस बोथ मैकेनिज्म टू एंड थ्री वुड ट्रांसफर लेबल्ड CO इन द एसाइल ग्रुप टू अ सिस पोजिशन एंड आर देयर फॉर कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किए हैं, CO फॉर्म द एसाइल लिगेंड टू वैकेंट साइड एज अ रिजल्ट 25% ऑफ द प्रोडक्ट शुड हैव नो लेबल्ड CO एंड 75 शुड हैव लेबल्ड CO। ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आपको देखो ये आपके पास 75% क्या है, सीस है,
और ये 25% क्या है, लेबल्ड CO है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एल्काइल माइग्रेशन, यानी कि जब हम एल्काइल माइग्रेशन बात करें तो 25% विथ नो लेबल्ड, 50% विथ लेबल्ड एंड 25% ट्रांस टू द एल्काइल, बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ सिस टू ट्रांस फाउंड इन द एक्सपेरिमेंट द एविडेंस सपोर्ट मैकेनिज्म थ्री द एक्सेप्टेड रिएक्शन पाथवे। यानी कि मैकेनिज्म जो थ्री था वो हम ये कह सकते हैं कि CO इंसर्ट नहीं हुआ है, यानी कि CO इंसर्शन का जो रिएक्शन नहीं हुआ बल्कि एल्काइल माइग्रेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि एल्काइल माइग्रेट हुआ है, तभी हमको एक प्रोडक्ट क्या मिला, यहाँ पे ट्रांस मिला। यह ध्यान दीजिए, अगर एल्काइल माइग्रेट नहीं हुआ रहता तो हमको इसमें भी सारे में शेष मिलता और इसमें भी सारे में शेष मिलता, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो याद रखना, CO इंसर्शन ज़्यादा नहीं हुआ इसमें, यानी कि रेदर देन CO इंसर्शन इसमें क्या हुआ, एल्काइल माइग्रेशन हुआ है। तो इस तरीके से जो मैं आपको बताया, आपको आई होप कि आपको समझ आया होगा कि क्या होता है, क्या होता है आपका CO इंसर्शन, यानी कि ठीक है। तो CO इंसर्शन नहीं होता इसमें, याद रखना, इसमें क्या होता है, एल्काइल माइग्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा है, इसी में वन टू इंसर्शन जिसके बारे में बात कर रहा था, वन टू इंसर्शन है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन सबसे पहले ये देखते हैं व्हाट इज़ वन टू इंसर्शन, ठीक है। वन टू इंसर्शन रिएक्शन आर ऑब्जर्व विथ ईटा टू लिगेंड, ये कौन सा है, ये क्या है, ईटा टू लिगेंड सच इज एल्कीन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईटा वन लिगेंड विथ नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ वन टू इंसर्शन, ठीक है। जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है वो वन टू इंसर्शन क्या होता है, रिवर्स होता है। द रिएक्शन इज अ, ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, वन टू इंसर्शन है। इसको अगर मैं वन मानूँ और इसको टू मानूँ, ठीक है, तो ये वन और टू के बीच क्या होता है, देखो ये वन है और ये टू है, तो ये वन और टू के बीच क्या होता है, इंसर्ट होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वन टू इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। इन वन टू इंसर्शन आर कॉमनली ऑब्जर्व विथ, हाँ, द रिएक्शन इज अ वन टू इंसर्शन बिकॉज द एक्स ग्रुप दैट वॉज वन बॉन्ड अवे, ये जो एक्स ग्रुप था वो मेटल से कितना बॉन्ड अवे था, वन बॉन्ड अवे था, लेकिन अब कितना बॉन्ड हो गए, वन और टू, यानी कि टू बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पे लिखो बॉन्ड अवे फ्रॉम द मेटल एटम इंड्स अप ऑन एन एटम दैट इज टू बॉन्ड अवे, अब ये दो बॉन्ड दूर हो गए। सबसे पहले ये मेटल और एक्स, ये किससे बॉन्ड दूर था, एक बॉन्ड दूर था, ठीक है। अब इसके पास मेटल आ गया, यहाँ पे एक्स है, ये देखो यहाँ पे एक मेटल है, ठीक है, इसके साथ कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा है और ये एक एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। अब मैं मान लिया कि ये वन पोजीशन है, ये टू पोजीशन है। अब क्या हुआ है, इस मेटल के साथ CH2 और ये X, यानी कि इस और इस, यानी कि ये वन और ये टू है और ये वन है, तो ये वन और टू के बीच ये क्या इंसर्ट हो गया है, ये इंसर्ट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, वन टू इंसर्शन, ठीक है, ये हुआ वन टू इंसर्शन। ये देखिए वन टू इंसर्शन, टिपिकली द ग्रुप इज हाइड्राइड एल्किल और एराइल स्पीसीज इन विच द केस ऑफ प्रोडक्ट कंटेंस एल्काइल ग्रुप लाइक वन वन इंसर्शन रिएक्शन एंड द ओवरऑल रिएक्शन इन अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल एटम बाय टू विथ नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी उसी तरीके से, अब सेम एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए अगर ये एक्स की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है। सपोज ये वन और ये टू, तो ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच ये इंसर्ट हो गए, ये ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से एक नया मॉलिक्यूल आएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, सीट ये एथिल हो जाएगा, यानी कि इतना ग्रुप क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा एथिल ग्रुप हो गया, तो मेटल के साथ जुड़ गया। अब ये मेटल और हाइड्रोजन के बीच फिर से जुड़ने वाला है, यानी कि ये मेटल के साथ अटैच हो गया, ये जो नया आने वाला है,
ठीक है। अब ये मेटल और एथिल के बीच जुड़ेगा बोला हूँ, क्योंकि ये एक्स हो गया, ये एम हो गया, तो ये एम और ये एक्स, ये एक्स और ये एम, इसके बीच क्या हो जाएगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते जाएगा, ये जुड़ते जाएगा। तो उसी को लिखा है यहाँ पे, द रिपीटेशन ऑफ दिस प्रोसेस गिव्स पॉलीएथिलीन, कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ दिस काइंड आर कंसिडरेबल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ वन टू इंसर्शन। अब अभी मैं आपको नया टर्म बताया, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो याद रखना, ये जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, ये वन टू इंसर्शन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, यानी कि वन टू इंसर्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, इसको कह सकते हैं। अब देखो, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होता है, अगर कोई मेटल के साथ अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्राइड के फॉर्म पे अब्स्ट्रैक्ट कर, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस से कहाँ चला जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस में। तो ये क्या कहलाएगा, जैसे हमको पता था कि ये मेटल क्या था, ये मेटल, और इसको मैं एक्स माना था, वन टू इंसर्शन में ध्यान देना। तो ये मेटल और एक्स के बीच क्या होता है, इंसर्ट होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये इंसर्ट हो रहा था। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, ये जो बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो वापस से मेटल में चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, वो एक अनसैचुरेटेड स्पीसीज बना लेगा, अनसैचुरेटेड स्पीसीज, दैट इज़ व्हाट यू आर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। यानी कि इसके बीटा पोजीशन का हाइड्राइड कहाँ पे जा रहा है, एलिमिनेट होके मेटल के साथ अटैच हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इसी चीज़ को अच्छे से यहाँ पे मैंने लिखा है, हाइड्राइड एलिमिनेशन एक्चुअली में क्या है। ठीक है, हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइड्रोजन एटम ट्रांसफ़र। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, एक यानी कि तीन हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, लिगेंड टू अ मेटल, यानी कि ये लिगेंड है, ठीक है, ये लिगेंड से मेटल हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है इसमें। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्राइड एलिमिनेशन इज बीटा एलिमिनेशन विद अ प्रोटॉन इन अ बीटा पोजिशन ऑन एन अल्काइल लिगेंड। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अल्काइल लिगेंड है, ट्रांसफर टू द मेटल बाय वे ऑफ एन इंटरमीडिएट इन विच द मेटल द अल्फा एंड द बीटा कार्बन एंड द हाइड्राइड आर कोप्लेनर। एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन द रिवर्स ऑफ वन टू इंसर्शन। ध्यान देना, वन टू इंसर्शन बार बार बोल रहा हूँ मैं, वन टू इंसर्शन का क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस है। बीटा एलिमिनेशन आर इम्पॉर्टेंट इन मैनी कैटालिटिक प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अल्फा गामा एंड डेल्टा हाइड्राइड एलिमिनेशन, सेम प्रोसेस है। अगर वो अल्फा पोजीशन से, देखो ये हमारा क्या है मेटल, ये अल्फा, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन, अगर अल्फा पोजीशन से रिमूव एलिमिनेट होगा, दैट इज़ योर अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अगर वो गामा पोजीशन से होगा, देखो ये अल्फा, ये बीटा, ये क्या ये गामा और ये डेल्टा, तो अभी कहाँ से निकल रहा है, देखो ये डेल्टा पोजीशन से निकल रहा है, ठीक है, ये डेल्टा पोजीशन से हाइड्रोजन कहाँ ले लिया, ये मेटल ले लिया, ये देखिए। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अल्फा बीटा गामा डेल्टा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ठीक है, गामा हाइड्राइड एलिमिनेशन एंड डेल्टा हाइड्राइड एलिमिनेशन आर मोर कॉमनली ऑब्जर्व बिकॉज द प्रोडक्ट कंटेंट्स अ मेटलो साइकिल। ये देखो, इससे क्या होता है, एक साइकिल का फॉर्म होता है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर इनकॉर्पोरेटिंग अ मेटल आयन, दीज रिएक्शंस आर नॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज साइक्लोमेटालेशन। इस साइक्लोमेटालेशन की रिएक्शन में आपको उसमें जब मैं ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ाया था तो इसको बताया था कि व्हाट इज साइक्लोमेटालेशन। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखो ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, तो ये बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन क्या किया, बीटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन इन्होंने अपस्टेट किया और यहाँ से बॉन्ड बना लिया, देखिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, बीटा हाइड्रेट एलिमिनेशन का ये प्रोसेस है। सो थैंक यू ऑल गाइस आज के इस लेक्चर को देखने के लिए, और आपको आई होप कि ये जो इंसर्शन डी इंसर्शन और ये बीटा हाइड्रेट अल्फा हाइड्रेट एलिमिनेशन समझ आया होगा।
ठीक है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको ये मोटिवेशन करे। सो थैंक यू।